का हमारा वीडियो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्राइंग। आज हम जानेंगे कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं उस पे कौन कौन से ड्राइंग हमारे होते हैं जिससे हम लोग काम करते हैं, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी, हम लोग देख लेते हैं कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होता है उस पे कौन सा ड्राइंग होता है। तो जो हमारा सबसे पहला जो ड्राइंग होता है वो हमारा होता है IFC ड्राइंग। ये IFC ड्राइंग क्या है अभी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के ड्राइंग होते हैं, या उसके बाद से जो हमारा ड्राइंग होता है उसको हम लोग सॉफ्ट ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा ड्राइंग होता है उसको हम लोग एसबिल्ट ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा फोर्थ वन होता है इसको हम लोग रेड लाइन ड्राइंग, ठीक है फ्रेंड्स। ड्राइंग तो ऐसे बहुत सारे ड्राइंग होते हैं, जैसा कि हमारा डिजाइन ड्राइंग होता है, जो सबसे पहले जो हमारा डिजाइन होता है वो हम लोग का डिजाइन ड्राइंग होता है। उसके बाद से हमारा टेंडर ड्राइंग भी होता है, उसके बाद जो हमारा आता है IFC ड्राइंग होता है, सॉफ्ट ड्राइंग होता है, एसबिल ड्राइंग होता है, रेड लाइन ड्राइंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो ड्राइंग तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो ड्राइंग तो GM वाइस प्रेसिडेंट होता है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्त। इसको इसका फुल फॉर्म है इशू फॉर कंस्ट्रक्शन। ये जो क्लाइंट होता है, जो कंसल्टेंट होता है, वो क्या करता है, एक ड्राइंग जो सबमिट करता है IFC जैसे कॉन्ट्रेक्टर को, जो उस पर काम करेगा, जो कंपनी उधर काम करेगी उसको जो सबमिट करता है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, वो उसी को हम लोग इशू फॉर जो कंस्ट्रक्शन होता है IFC ड्राइंग, उसी को हम लोग बोलते हैं। ये IFC ड्राइंग में पूरी डिटेल्स में लिखी होती है कि उस साइट पे क्या क्या सिस्टम आने वाले हैं और क्या क्या चीजें लगने वाली है, उस सारी चीजों की डिटेल्स जो बनती है उसी को हम लोग IFC ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ये जो ड्राइंग सबमिट हो जाता है कॉन्ट्रेक्टर को या कंपनी जो काम कर रही है उसको सबमिट हो जाता है। अब वो कंपनी क्या करता है, वो सारे कैटेगरी वाइज, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जैसे MEP डिपार्टमेंट हो गया, सिविल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, वो सारे डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग ड्राइंग बनाते हैं, उसको हम लोग सॉफ्ट ड्राइंग बोलते हैं। ये सॉफ्ट ड्राइंग में पूरी डिटेलिंग होती है कि जो हमारी साइट है उस पर क्या क्या चीजें हैं, और फुल मेजरमेंट के साथ कंपनी ये सॉफ्ट ड्राइंग बनाती है। अब ये सॉफ्ट ड्राइंग बना के वो डायरेक्ट साइट पे नहीं भेजती है, वो क्या करती है, वापस कंसल्टेंट को देती है उसको चेक करने के लिए। जब ये ड्राइंग कंसल्टेंट अप्रूव कर देता है उसके बाद से ये ड्राइंग साइट पे आ जाती है कि इस ड्राइंग के हिसाब से हम लोग काम करें। ये एसबिल ड्राइंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो एसबिल ड्राइंग किसको बोलते हैं, जैसा कि हमारा एक साइड फिनिश हो गया है, अब उसका जो साइड फिनिश हो जाता है, अब उसमें क्या क्या काम हो गया है उसका हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं और वो ड्राइंग फिर हम सबमिट करते हैं। क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये रेड लाइन ड्राइंग क्या होता है। तो रेड लाइन ड्राइंग का मकसद यही है कि फ्रेंड जैसे ये हमारा एक वॉल है, अभी इस वॉल पे हमारा या स्विच सॉकेट आ रहा है या कोई भी हमारा सिस्टम आ रहा है इलेक्ट्रिकल का, अब इस वॉल पे नहीं, वो हमारे दूसरे वॉल पे या दूसरे साइड शिफ्ट हो गया, वो जो शिफ्ट हो जाता है फ्रेंड्स उसी को हम लोग उसके लिए भी एक ड्राइंग बनाते हैं, कंसल्टेंट से फिर अप्रूव लेते हैं, उसको हम लोग रेड लाइन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत सारे हम लोग के ड्राइंग होते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसा कि पावर लेआउट ड्राइंग हो गया, लाइटिंग लेआउट ड्राइंग हो गया, CCTV हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, बहुत सारे ड्राइंग होते हैं। एक हमारा ड्राइंग आता है RCP ड्राइंग, मतलब ये हमारा होता है RCP, मतलब रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। ये जो ड्राइंग हमारा क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि हमारे साइड पे फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद से जो हमारी एक RCP बनाई जाती है, उस RCP में जितने भी उधर आदमी काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट उस साइड पे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या सिस्टम आ रही है, वो सारी सिस्टम जो हमारी शो होती है वो हमारी RCP में होती है। ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बर, सिविल, जितना भी चीज जो हमारी उस सीलिंग में आ रही है, उस सारी चीज को ये रिफ्लेक्टेड सीलिंग ड्राइंग में हम लोग का प्लान किया होता है,
वो उसी के हिसाब से हम लोग उसमें मार्किंग करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों ने देख लिया कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे कितने टाइप्स के ड्राइंग हमारे होते हैं, तो इस सारे ड्राइंग के बारे में हम लोगों ने देखा एक एक करके। तो आई होप कि इस छोटे से वीडियो में आप कुछ सीखे होंगे, और कुछ सीखे तो लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।